तो कंदील के पास शॉट ले लेना। और तो मेरे दिए को संभाल, ये भी बंद कर। क्या शूट कर रहे हैं आज आप, क्या दिवाली का स्पेशल? हैप्पी दिवाली टू ऑल। आज हम दिवाली का शूट कर रहे हैं और इतने सारे दिए लगे हैं और भी हैं स्टॉक पे। जब ये नीचे जाएंगे तब ये नीचे पूरा दियों से भर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दिए की रोशनी आ रही है फेस पे, थोड़े से बल्ब लगे हुए छोटे छोटे। हेलो, हाँ हेलो रे, हेलो मेरा ये ट्रेन है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा दादा ने कोर दे दिया लेके इधर चल कर शॉप पर। थैंक यू। नहीं हो गया तेरा? अरे क्या बात है, अरे अभी तो अभी और हाथ में बोलता वही सुन ना वो लाइट, उसको इधर घूमो लाइट, और वो दरवाजा बंद कर दो। चलिए घुमा घुमा। अरे कहाँ घुमाओ? अच्छा नहीं इतना ये दिया के तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा तू निकल वहां से मेरे तुम्हारे सब के। और दूसरा ले लो, अभी उन्हें है अभी बहुत है। आता है आता है, डांस मत करो, रुको गोल घुमाओ। इन
दूसरी तरफ लगा रहा है। अरे थोड़ा वो लोग जा रहे हैं पीछे पीछे पीछे। मैं रुक गई। ए चित्र नॉर्मल शूट करेंगे ना, नॉर्मल चिंगारी आती है, अभी यही चिंगारी को दिखती है। ये दे दे उनको, सुन सुन दे दे अबे, सुन सुन दे, सुन सुन। क्या तेरे मैम जाना चाहूँगा, दिवाली का पावन त्यौहार आ रहा है और जो शूट भी पर्टिकुलरली है वो भी दिवाली थीम पे ही है, तो जाना चाहूँगा क्या शूट है और कितने एक्साइटेड हैं इसको लेकर आप? जैसे अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और हम सब लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो ये पहला ऐसा त्यौहार शायद होगा कि जो खुल के सब लोग मनाएंगे। मैं फिर भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पटाखे ना फोड़ें, बस सिर्फ दिए जलाएं और खुशियां बांटें। ये त्यौहार का मतलब भी यही है, अपने ज़िंदगी में रोशनी लाना, तो मैं वही चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी में सबके रोशनी हो जाए। और जैसे जो कोरोना की वजह से, जितने भी लॉकडाउन की वजह से जितने भी लोग प्रॉब्लम्स में आए थे, अब वो धीरे धीरे अपने पैरों पे वापस खड़े हो रहे हैं। लिटरली ये मीनिंग हो रहा है कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, तो ये मेरा तरीका है खुशियां मनाने का। मैं एक्चुअली पूरा मराठी गेटअप में आई हूँ। ये नववारी साड़ी है, मयूर पंखी, ये प्रॉपर पूरा मयूर पंखी है। उसके बाद प्रॉपर ज्वेलरी है मराठी, और बैंगल्स है ग्रीन कलर के, जो टिपिकल मराठी कलर का जो ज्वेलरी होता है वो है, नथ है, टीका है, और पीछे मेरे बाल में भी, मेरे बालों में भी पूरा जूड़ा वगैरह लगाया हुआ है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। और पूरा जो सेटअप बना रही हूँ वो पूरा बहुत सारे दियों के साथ बना रही हूँ। बस मेरा, बिकॉज मेरा जो कहना है सबसे यही है कि दिए जलाइए, रोशनी फैलाइए, पटाखे मत जलाइए। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो पोल्यूशन तो होता ही है, और साथ में जो स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो डर जाते हैं, बिकॉज इतना बड़ा धमाका, हम डर के मारे भाग जाते हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ भागे क्या करें। सो मिठाई खाइए, खूब मिठाई खाइए, खूब फरसान खाइए। जैसे हमारे यहाँ घर पे बनता है, चूड़ा बनता है, मिठाई बनती है, लड्डू बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खाइए, खुशियाँ बांटिए और दिवाली का त्यौहार मनाइए। लॉकडाउन के बाद फर्स्ट त्यौहार अच्छे से मनाइए, तो हैप्पी दिवाली। मैम मेरे जैसे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, तो अभी फिलहाल क्या कंटेंट आप पुट अप कर रही हैं और क्या स्टेटस है आपके प्रोफाइल का? दिवाली के लिए मैं कंदिल की खरीदी करने गई थी, तो बस वो कंदिल गली में जाकर के जो मैंने शूट किया था वो एक्चुअली अभी एडिट चल रहा है, वो एडिट करके मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ। उसके बाद ये कंटेंट जाएगा जो दिवाली का है। सो डेफिनेटली आई एम एक्टिव एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे फैंस जो हैं वो सारे खुश रहें, मज़ा आए उनको भी देख करके कि कुछ अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव कंटेंट्स आ रहे हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल दो वेब सीरीज कर रही हूँ, उसमें से एक की शूटिंग हो चुकी है और एक की शूटिंग होने वाली है। तो एक जो चल रही थी मेरी शूटिंग कंप्लीट हो गई, आगे दूसरे जो लोग हैं उनकी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होगा। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट शूट ऑल्सो।
मैंने सबसे पहले यही कहा था कि सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, मतलब 1,00,000 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है, मेरा भी डबल वैक्सीन हो चुका है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे जिस नंबर से हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो हम डेफिनेटली कोरोना एक मामूली सर्दी खांसी की तरह बन के रह जाएगा। सो और सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो रही हैं, सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, त्यौहार मनाना शुरू हो रहा है, तो ये दिवाली का एक पहला त्यौहार होगा जहां सब लोग आराम से मिलके खुशियां बांटेंगे। और मैं यही चाहूँगी कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो प्लीज़ वैक्सीन लगाइए, अगर आपके डेट आ चुकी है सेकेंड वैक्सीन की तो जाकर के सेकेंड वैक्सीन भी लगाइए। अब तो ऑप्शंस भी बहुत हैं, आपको जो पसंद है, जो कलर का पसंद है वो लगाइए। सो प्लीज़ वैक्सीन लगाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए और सबको, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करके रखिए। थैंक्स।